सोचू ना कि इस बार प्रियंका के बर्थडे पे कुछ तो भी ना प्रैंक करने के लिए। हाँ, रक्षाबंधन हमने इन एडवांस ले लिया है, हमने कहा चलो ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आना तो है जरूर, इतना पक्का ही है। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग्स। फ्यू डेज लेफ्ट फॉर प्रियंका बर्थडे सेलिब्रेशन, तो अब मैं और मम्मी तो रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज जा रहे हैं शॉपिंग करने। हाँ, फिर से क्योंकि आज ना कि प्रियंका स्कूल में और क्लासेस में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा चॉकलेट्स वगैरह लेना है और थोड़े से कॉस्मेटिक की भी चीजें लेना है, तो हमने बोला कि चलो आज टाइम मिला है तो जाकर आते हैं। तो सो चलो चलते, जो भी सारी चीज लेंगे आपके आपको दिखाएंगे तो ब्लॉग एंड तक जरूर। तीज भी आ गया है ना, तो हाँ। तीज का भी सामान लेना है और प्रियंका के बर्थडे का भी सामान। हाँ। चॉकलेट्स वगैरह तो ले लिया, अभी थैली मम्मी पकड़ी, मम्मी कह रही बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है क्योंकि ना वो डब्बे वाला चॉकलेट लिया, बहुत टेस्टी है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया हमने, पर टेस्ट था तो हमने बोला चलो यही ले लेते हैं। तो रही बात डेकोरेशन की चीज़ के सामान, तो वो तो अभी है घर पे, तो मम्मी कह एक बार पहले देख लो क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है उसके बाद खरीदना, तो हमने कहा चलो ठीक है अब नेक्स्ट टाइम आना तो है जरूर, इतना पक्का ही है। तो अब जा रहे थोड़ी सी कॉस्मेटिक की चीज़ वगैरह लेना है वो लेंगे, और बारिश अभी बहुत ज़ोरों से होने लगी है तो यहाँ पे अभी हम साइड में खड़े हैं, मम्मी कह रही पे थोड़ा बारिश रुक जाए उसके बाद निकलते हैं। और वहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे अच्छे ना राखी बिक रही है, तो मम्मी कह रही चलो इन एडवांस ले लेते, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे ही बारिश रुका ना सबसे पहले हम गए इस शॉप पर, इतना सुंदर लग रहा था ना शॉप क्योंकि पूरा रक्षाबंधन से ना भरा हुआ था, पूरा एक घंटा लगा, सच बता रही हूँ एक घंटा लगा हमें चूज करने में क्योंकि इतने सारे डिजाइन से ना बहुत कंफ्यूज हो चुके थे हम कि कौन सा, लेकिन पूरे एक घंटे पर हमने जाके फाइनल किया कि हाँ ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लेते हैं। तो आए थे तो प्रियंका की बर्थडे की शॉपिंग करने, लेकिन यहाँ पे ना इतने सुंदर दुकान बाहर से लग रहा था ना देखने में, हमने कहा जाकर देखते अगर वहाँ पे रक्षाबंधन अच्छा मिला ना तो लेंगे जरूर, बहुत अच्छा था इसलिए वही मम्मी ने कहा कि मिल रहा है तो अभी ले लेते, तो चलो चॉकलेट्स वगैरह सारी चीज़ ले लिए और रक्षाबंधन हमने इन एडवांस ले लिया है, और अब जा रहे थोड़ी सी कोई कॉस्मेटिक की चीज़ लेना वो लेंगे उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। अभी फिर से सोचू ना कि इस बार प्रियंका के बर्थडे पे कुछ तो भी ना प्रैंक करने के लिए। हाँ मम्मा क्योंकि ना इसके पहले वाले बर्थडे पे ना इतना प्रैंक किया था ना गिफ्ट को लेकर प्रियंका के साथ ना, कि बहुत मज़ा आया था हम लोगों को, पर एंड में एक अच्छा सा गिफ्ट दिया था जो कि वो प्रियंका मांग रही थी हम लोगों से, तो सोच रही इस बार फिर से कर चलेगा ना मम्मी नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार, रो अगर हो ही भी तो फिर प्रॉब्लम क्या, थोड़ा तो मस्ती चले गई तभी तो और एक एक्स्ट्रा मज़ा आएगा। तो अभी मैं सब कुछ सोच रही हूँ, देखो अगर हो पाए ना ये प्लान तो ज़रूर करूँगी। जैसे कि मम्मी ने तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि तीज आ रहा है क्योंकि प्रियंका के बर्थडे के 2 दिन बाद तीज है, तो मम्मी कहा कि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बार बार मार्केट आए और शॉपिंग करने के लिए, तो मम्मा इस शॉप पर आई थी चूड़ी देखने के लिए, और ये चूड़े का डिज़ाइन ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यानी बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ आप लोगों को, और भी ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे यहाँ पे। कॉस्मेटिक की शॉप पर, और ये रहा अपनी बचपन की यादें, कितना खेला करते थे, लाइक इसको ना एक सेट हुआ करता था कि पूरा घर भरा रहता था गुड़िया कपड़े भांडी एवरीथिंग से, और अभी तो कुछ ऐसा नामो निशानी नहीं रहा कि ये सारी चीजें हैं क्या हमारे पास। हम लोग शॉपिंग करके घर आ चुके हैं और अभी भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शाम को फिर से अभी जाना है ब्यूटी पार्लर क्योंकि अभी प्रियंका क्लास गई हुई है, तो क्लासेस आएगी वो, उसके बाद जाएंगे ब्यूटी पार्लर, उसके हेयर कट करवाने हैं,
मम्मी को अपने आईब्रोज वगैरह थोड़ा बनवाना है, तो मुझे भी बस 10 मिनट बाकी, उसके मुझे भी क्लासेस के लिए निकलना है। सेम टाइम पे हम दोनों बहन घर पे आने वाले हैं, तो उसके बाद फिर जाना है। हाँ, ब्यूटी पार्लर जाना है। 2 hours later क्लासेस आने के बाद हम गए सीधा ब्यूटी पार्लर, और ये देखो यहाँ पे प्रियंका का हेयर कटिंग शुरू हो चुका है। आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम लोग खाने जा रहे कटलेट पाव। अपनी हेयर स्टाइल तो दिखा दो पहले, भी खाने में ही बिजी हो। तो ये रहा प्रियंका का न्यू हेयर स्टाइल। हाँ, सेम वैसे मुझे ऐसा चाहिए था कि आगे से ना ज्यादा छोटा हो, ना ज्यादा मतलब ऐसे बड़ा हो, और पीछे का एकदम परफेक्ट। हाँ, एकदम अच्छा कट किया, कोई टेंशन नहीं है। और यार रही मम्मा, मम्मा ने अपने आईब्रोज वगैरह बनवा ली है, टोटली सैटिस्फाइड विद माय हेयर स्टाइल, और अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस थोड़े दिन बचे मेरे बर्थडे के लिए। क्या प्लान कर रहे हो? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्लान नहीं है। प्लान कुछ नहीं है। पिज्जा बर्गर सब गिफ्ट मिलेगा। हाँ, यही सब मिलने वाला है। पाव कटलेट पाव। हाँ, आज देखो फेवरेट है जो पसंद वही। आज देखो प्रियंका अपने BTS बहुत पसंद है मम्मा, BTS मच दिला दो। आज प्रियंका अपना फेवरेट कटलेट पाव खा रही है। कल संडे के दिन मिलता है। हाँ, और कल मम्मी ने इसको समोसा बनाकर खिलाया था। अब सारी तैयारी चालू हो चुकी है ना, तो फिर भी बोल रहे हो कि मेरी बर्थडे की तैयारी क्या कर रहे हो? गिफ्ट अरे नहीं, वड़ा पाव देने का, मंचूरियन पाव देने का, मंचूरियन पाव नहीं, सब मैं निकालेगी ना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य। यही पे एंड करता है। आई डोंट नो कितना व्लॉगिंग किया है कितना नहीं, क्योंकि आज तो था संडे। सब लोग बोलते ना कि बहुत फन डे होता है संडे, लेकिन हमारी तो इतनी बैंड बज गई थी कि पूछो मत। इतनी शॉपिंग, फिर शाम को क्लासेस आने, फिर से ब्यूटी पार्लर जाना पड़ा, प्रियंका का हेयर कट कराने पर हो चुका, बहुत खुश भी है। सब इस ब्लॉग का यही पे एंड करते। वीडियो कैसा लगा? वीडियो तो अच्छा ही लगा होगा, और ये जितना झंझट मारी था ना आज पूरे दिन, वो सिर्फ मेरे लिए। हाँ, जितना भी भागा दौड़ी किया सब प्रियंका के लिए किया है। तो चलो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। यस, फिर मिलेंगे जल्दी एक नया धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।